Hello everyone, I'm Dr. Alia Rizvi, consultant dermatologist at Metro Hospital, Noida. I'll be talking about skin and hair problem in rainy season. Unke kuch solutions, unko kaise avoid kiya ja sakta hai and some very useful tips. To begin with, I would like to highlight the fact that ye bahut common skin problems hain, jo kisi ko bhi ho sakti hain. Due to lack of awareness, ye complicate ho jati hain ya serious ban jati hain. बिकॉज वॉट आईव सीन इन माई प्रैक्टिस लोग अपने स्किन प्रॉब्लम्स को बहुत लाइटली लेते हैं. या तो वो फार्मेसी पर जाके कोई क्रीम लगा लेंगे, घर का कोई मेम्बर उनको कोई सोल्यूशन बता देगा, या देर इज अनदर कैटेगरी जो सलॉन्स में जाके इसका ट्रीटमेंट ढूंढती है. कमिंग टू द स्किन प्रॉब्लम्स, मानसून इज़ अ ब्यूटिफुल सीजन, बट वो अपने साथ साथ कई सारी स्किन की प्रॉब्लम्स भी लाता है, जिसमें से सबसे कॉमन फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसको हम टीनिया या पेशेंट के लैंग्वेज में रिंगवर्म या दाद बोलते हैं. ये मेनली बॉडी फोल्ड्स में देखा जाता है, जैसे इनर थाइज, अंडर आर्म्स. सिमिलर इन्फेक्शन हमारे पैरों में या नेल्स में भी हो सकता है. बिफोर आई टॉक अबाउट किसका सोल्यूशन क्या है, वी शुड अंडरस्टैंड कि ये होता क्यों है. मानसून में ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में स्वेटिंग बहुत होती है. यही स्वेट और मॉइस्चर रिटेंशन बॉडी फोल्ड्स में हो जाता है, जो फंगस को अट्रैक्ट करता है. अनदर केसेस जो हम इस मॉनसून सीजन में बहुत देखते हैं, वो है एक्ने के, पिंपल्स के. बहुत सारी फीमेल्स आती हैं, डॉक्टर हमें ब्लैक हेड्स हो गए हैं, वाइट हेड्स हो गए हैं. नाउ अगेन वी शुड अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है. बिकॉज एज आई टॉक्ड अबाउट फंगल इन्फेक्शन में, वैसे ही सिमिलरली ह्यूमिडिटी हाई होने की वजह से हमारे स्किन पे, हमारे फेस के पोर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक ऑयली ग्रीजी स्किन लेयर हमारे फेस पे जम जाती है, जो डर्ट को, डस्ट को, बैक्टीरिया को हमारे सराउंडिंग एयर से मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हैं. अनदर थिंग, जहाँ हमने ऑयली स्किन की बात करी, वहीं पे एक्जिमा जैसी ड्राई स्किन एलर्जीज भी बहुत कॉमन है. बिकॉज हमें स्वेटिंग बहुत होती है, जिसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, एंड अल्टीमेटली इट्स द स्किन दैट सफर्स. देन आपने देखा होगा मानसून सीजन में इंसेक्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो इंसेक्ट बाइट एलर्जीज के पेशेंट्स भी हमारे पास बहुत आते हैं. एक दूसरा इन्फेक्शन होता है, वो भी एक माइट का इन्फेक्शन होता है, कीड़े का इन्फेक्शन होता है, जिसको हम स्केबीज बोलते हैं. ये फैमिली में बहुत तेज़ी से फैलता है, और ये माइट इन्फेक्शन, ये जो माइट होता है, ये कर्टन्स में, सोफ़ा कवर्स में, मैट्स में बहुत ईजिली प्रेजेंट होता है, जो हमारे स्किन के सुपरफिशियल लेयर में घुस के खुजली पैदा करता है, एंड दिस स्प्रेड्स वेरी क्विकली इन ऑल द फैमिली मेम्बर्स. Talking about the precautions, the good part about these problems are कि इनको avoid किया जा सकता है. अब इसमें क्या क्या precaution हम ले सकते हैं. We should practice a good personal hygiene. इसमें make sure that you keep yourself completely dry. आप उन activities को avoid कीजिए जिसमें sweating बहुत होती है. Make sure आप frequent and regular bath लें, एंड हो सके तो मेडिकेटेड सोप्स, जिसमें एंटी फंगल सोप या पाउडर हो, अवॉइड यूज़ दैट, बिकॉज वो हेल्पफुल है. देन यू शुड हाइड्रेट योर सेल्फ वेल, हैव फ्रीक्वेंट ग्लासेज ऑफ वाटर, एटलीस्ट 10 to 12 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे. हैव अ गुड डाइट, बिकॉज डाइट का भी बहुत मेजर रोल रहता है. यू शुड हैव लॉट ऑफ फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, जैसे बेरीज हो गई, ग्रेप्स, बनाना, एवोकाडो, एप्पल, दीज आर वेरी गुड. होल ग्रेन्स, लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, जैसे आमंड्स, वॉलनट्स, ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए. अब हेयर इश्यूज़ पे आते हैं. हेयर प्रॉब्लम्स में मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमें हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, डैंड्रफ के इशूज़ बहुत होते हैं, हेयर फ्रिजीनेस, डलनेस, रफनेस बहुत होते हैं. अगेन वी शुड अंडरस्टैंड कि ये सब क्यों हो रहा है. इसमें बिकॉज ह्यूमिडिटी की वजह से हमारे स्कैल्प पे एक ग्रीजी और स्टिकी लेयर जम जाती है, जो रेन ड्रॉपलेट्स के साथ मिलके हमारे हेयर फॉलिकल्स को वीक बना देती है, जिसकी वजह से उनमें डैमेज शुरू हो जाता है, हेयर फॉल हो जाता है, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाता है. अगेन हेयर प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए भी बहुत सारे सोल्यूशंस हैं. सो देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू शुड डू एंड यू शुड अवॉइड.
फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ड्राइनेस ऑफ हेयर. उसमें यू शुड यूज अ वेरी जेंटल माइल्ड शैम्पू विद अ वेरी माइल्ड कंडीशनर. यू शुड फ्रीक्वेंटली एटलीस्ट टू टू थ्री टाइम्स अ वीक यू शुड वॉश योर हेयर, सो दैट आप वो स्टिकी लेयर को वॉश कर सकें, जो रेन वाटर आपके स्कैल्प पे आया है उसको वॉश कर सकें, बिकॉज दैट इज लोडेड विद पल्यूटेंट्स. ऑयल योर हेयर एटलीस्ट वंस अ वीक एंड मेक श्योर कि आप बहुत जेंटली मसाज करें. देन हेयर ड्राई करने के लिए यूज़ अ माइक्रोफाइबर टावल, बिकॉज ये वाटर को बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करता है और हेयर और टावल की फ्रिक्शन को कम करके आपका हेयर फॉल भी कम होता है. देन अदर थिंग इज दैट टॉकिंग अबाउट द डाइट, यू शुड हैव अ गुड प्रोटीन रिच डाइट, वाइटमिन ई, ओमेगा फैटी एसिड सप्लीमेंट्स एंड फूड ऐड करें अपने डाइट में. देन देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड. अवॉइड यूजिंग हेयर ड्रायर. आप गीले बालों के साथ बाहर मत जाइए, गीले बालों को कंघी नहीं करनी होती है और गीले बालों को टाई मत करें. अलॉन्ग विद दैट अवॉइड टू मच केमिकल एंड कलर एक्सपोजर. जो हेयर सलोन प्रोसीजर्स होते हैं जैसे हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर रिबॉन्डिंग, ये सब अवॉइड करना चाहिए. काफ़ी फीमेल्स मुझसे पूछती हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट इस सीजन में कराना चाहिए या नहीं. सो आई यूजली टेल देम टू अवॉइड दिस पॉपुलर केराटिन ट्रीटमेंट इन मॉनसून सीजन. अवॉइड जंक फूड बिकॉज दैट कॉजेज हेयर थिनिंग, एंड टू मच कैफीन इनटेक हमें कम करना चाहिए बिकॉज वो डिहाइड्रेशन कॉज करता है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज कंसर्निंग योर स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम, काइंडली पोस्ट इट हियर. एंड लास्ट आई वुड लाइक टू गिव दिस मैसेज दैट स्किन प्रॉब्लम कोई भी हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, नेवर हेजिटेट टू कंसल्ट अ स्किन स्पेशलिस्ट. स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी एंड स्टे सेफ.